डीएम सर के पास ये समस्या लेकर आए थे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। तो पानी की समस्या ये थी कि 1983 में हमारा ये पानी जो था हमने वहाँ से लिया था, और जो आज है वो जैसे रिसाव हो रहा है तो हमें पानी की दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए जो है हम उसके लिए यहाँ पर आए थे, और जिस तरह से सर से हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कुछ ही दिनों में ये जो समस्याएं हैं आपकी ठीक हो जाएंगी, तो जिससे हमें पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। इससे हमारा जो कोठी सारी पंचायत पूरी पूरी जिसमें 7 वार्ड आते हैं, 7ों के 7ों वार्ड प्रभावित हो रहे हैं पानी की समस्या से। 1600 से ज़्यादा परिवार है जो पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं। वो हमने कुप्पू छानी करके जगह है वहाँ से पानी लिया था, और वो साफ जो है नीचे की तरफ को जा रहा है, तो जिससे हमारे को पानी कम मिल रहा है। उस करके हमने कहा है कि जो जहाँ से रिसाव हो रहा है तो जो पानी का मेन सोर्स है उसे हमें थोड़ा सा नीचे से पानी के लिए जो हमारे लिए टैंक बनाया जाए, और जिससे हमारे जो पानी की आपूर्ति पूरी हो सके। पूछानी से ग्राम पंचायत कोठी सारी के लिए 1983 में पाइपलाइन बिछाई गई थी और 87 में तैयार की गई थी जो स्कीम है। तो ये जो पानी है सर्दी के टाइम में बिल्कुल 3 इंच से घटकर 1.5 इंच से 1 इंच तक रहता है। तो समय रहते जगह जो है नाले की जगह है जहाँ हमारा सोर्स है, तो मेन सोर्स जो है हमारा रिसाव कर रहा है, और रिसाव करके लगभग 1700 मीटर नीचे वही पानी 50 मीटर नीचे वही पानी निकल रहा है। तो अब दूसरी पंचायत के लोगों की नज़र उस पानी पर है, और उन्होंने आनन फानन में आगे पीछे जब भी वो गए तो उस पानी को अपने गांव तक ले जाने के लिए स्कीम तैयार कर टेंडर पास कर दिया है। और जब जो हमारी पंचायत है ग्राम पंचायत कोठी सारी लोगों को पता लगा कि विभाग इस तरह की हरकत कर रहा है, तो हम लोग भी आज पहले एक्सिंग साहब से मिले कटराई, उसके बाद यहाँ एडीएम साहब से मिले और अपनी समस्या रखी कि भाई जो हमारी जो पानी की स्कीम है वो ग्राम पंचायत कोठी सारी के 7 गांव को पानी की पूर्ति करती है, और जिस गाँव के लिए विभाग उस पानी की स्कीम को देने जा रहा है वो एक ही गांव है। तो आजकल बरसात भी ठीक हो रही है, सर्दी भी लेट हुई।